हाय गाइस, माय नेम इज सनी तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक सीआर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एमआई 11 अल्ट्रा की, जिसने अभी तक सैमसंग और आईफोन जैसे ब्रांड्स को बीट कर दिया है। तो सबसे पहले तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और घंटा बजाना ना भूलें नोटिफिकेशन के लिए। तो क्योंकि मैं भी नया हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड देन स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले बात करूँगा इसके डिस्प्ले की। डिस्प्ले जो है इसका काफ़ी अच्छा है, बड़ा है, कर्व डिस्प्ले है और इसको जो प्रोटेक्शन मिली हुई है वो गोरिल्ला ग्लास विक्टस की है। अगर किसी को नहीं पता ग्लास विक्टस क्या है तो वो अभी तक का टफेस्ट ग्लास है। और इसके बाद फिर मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो बैक है वो सेरेमिक बैक है, सेरेमिक से बना हुआ है तो काफ़ी स्टाइलिश है। 2K एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, मतलब क्वाड HD डिस्प्ले है इसका और इसमें HDR10+, जी हाँ HDR10+ भी सपोर्टेड है। अब हम बात करेंगे इसके ब्राइटनेस पर। मैक्सिमम जैसे अभी तक हमने लोगों ने देखा है 1200 निट्स की ब्राइटनेस काफ़ी होती है और अभी तक मुझे नहीं लगता शायद हमने इससे ज़्यादा देखी है। तो 1200 निट्स की ब्राइटनेस काफ़ी इनफ होती है, लेकिन Xiaomi ने कर दिखाया गजब, उसने 1700 निट्स की ब्राइटनेस दी है। जी हाँ, इस फ़ोन में उसने 1700 निट्स की ब्राइटनेस दी है जो कि काफ़ी हाई लेवल काम उसने करके दिखाया है। अब हम इसके रिफ्रेश रेट की बात करते हैं। इसका जो रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज का है, आपको इसमें रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का देखने को मिलेगा। अगर वहीं आप सैम्पलिंग टच सैम्पलिंग रिफ्रेश रेट की बात करते हैं तो वो आपको 480 हर्ट्ज का देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। एक्सपेक्टेड ही नहीं था इतना ज़्यादा होगा, पता नहीं क्यों Xiaomi इतनी ओवर चीज़ें कर रहा है, बट हाँ इट्स अ गुड थिंग कि वो इतना ज़्यादा दे रहा है। अब हम बात करते हैं इसके बैक में, जो एक 1.1 इंच का छोटा सा डिस्प्ले दे रखा है जो कि एमोलेड डिस्प्ले है। जी हाँ, एमोलेड डिस्प्ले उसने 1.1 इंच का दिया हुआ है, जिसमें आप अपना बैटरी टाइम, वॉलपेपर, इमेजेस, कुछ भी आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो क्योंकि वो कस्टमाइजेबल है, तो आप कस्टमाइज़ करके उसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हो, सो देयर इज़ नो इशू। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि कस्टमाइज़ करके आप, जैसे आप वॉचेस का यूज़ करते हैं स्मार्ट वॉचेस का, उस तरीके से वो काम करता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसके वेरिएंट्स के बारे में, किस किस वेरिएंट्स में ये आता है। तो ये आता है 8/256 में, 12/256 में और 12/512 GB में। जी हाँ, रैम LDDR5 रैम आपको मिल रही है और UFS 3.1 की स्टोरेज आपको देखने को मिल रही है इसमें। अगर हम बात करें इसकी प्रोसेसिंग की, तो प्रोसेसर जो है इसका Snapdragon 888 है। जी हाँ, सही सुना आपने, Snapdragon 888 का प्रोसेसर आपको इसमें मिलेगा, जिसमें आप हैवी से हैवी गेम्स को आप खेल सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, बट थोड़ा सा हीटिंग इशू रहेगा इसमें। अगर आपने बैक कैमरा इसका देखा होगा तो हल्का सा बम्प देखने को आपको मिला होगा, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और एक्सक्लूसिव लगता है। तो इसमें जो है ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें एक 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा आपको, एक मिलेगा आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, इसके अलावा आपको एक 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आपको 5x ऑप्टिकल जूम, 10x हाइब्रिड जूम और 120x का डिजिटल जूम आपको इसमें देखने को मिलता है। और एक अमेजिंग बात यह है इसके बारे में कि ये तीनों कैमरे से 8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। अच्छा फीचर है ये भी कि 8K वीडियोज़ आप तीनों कैमरे के थ्रू आप कर सकते हो, तो ये गुड थिंग। इसके अलावा हम बात करना चाहेंगे आपके फ्रंट कैमरे के बारे में। तो फ्रंट कैमरा जो यहाँ पर 20 मेगापिक्सल का मिलता है, लेकिन मुझे थोड़ा यही कहना है कि फ्रंट कैमरे की यहाँ पर मुझे नहीं लगता ज़रूरत थी, क्योंकि आपने देखा होगा जो कैमरा बम्प है जिसमें 50 मेगापिक्सल और 48 और टेलीफोटो भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर जो स्क्रीन है 1.1 की एमोलेड स्क्रीन, अगर आप इस तरीके से फोटो ले रहे हो तो उसमें 50 मेगापिक्सल से आप ले सकते हो फेस का, और साथ में आपकी उस स्क्रीन पर आपकी वो फोटो शो करेगा कि सेल्फी वहाँ पर शो करेगा सेल्फी, तो वो ईजिली हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा ये था कि एडवांस मतलब क्यों दिया ये फीचर, ज़रूरत थी नहीं इसकी ज़्यादा। तो IP रेटिंग मैंने इसकी चेक करी है, वो 68 IP रेटिंग दी हुई है। 68 का मतलब है कि आपका ये वाटर प्रूफ है कुछ हद तक, पूरी तरह तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि आप 2 मीटर तक पानी में आप उस फोन को रख सकते हो आधे घंटे के लिए, रेंज होगी उसकी 2 मीटर, बस इतना आप रख सकते हो, इससे ज़्यादा करोगे तो वो ख़राब हो जाएगा उस। इसके अलावा रहा साउंड की बात, तो साउंड क्वालिटी इसकी एकदम गुड है और बेस काफ़ी लाउड है इसका, अपर बॉटम दोनों में आपको डबल स्पीकर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसमें आपको IR ब्लास्टर देखने को मिल जाएगा। IR ब्लास्टर क्या होता है, ज़्यादातर लोग जानते होंगे, जो हम रिमोट सेंसिंग डिवाइस यूज़ करते हैं, जैसे TV हो गया या फिर AC हो गया, जो भी है आप अपने रिमोट के मोबाइल के थ्रू आप उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, रिमोट की ज़रूरत नहीं है। और साथ में आप इसमें सिम स्लॉट भी देख सकते हो कि 2 5G के स्लॉट दिए हुए हैं। जी हाँ, ये दोनों सिम 5G सपोर्ट करता है। इसकी सिक्योरिटी काफ़ी हाई है क्योंकि Xiaomi ने सारी चीज़ें इतनी अच्छी दी हैं, तो सिक्योरिटी के मामले में कैसे पीछे रह सकता है। तो इसमें जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया हुआ है
और इसके अलावा फेस अनलॉक का फीचर भी अवेलेबल है। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी हाई लेवल पर उसने दी हुई हैं, काफ़ी फंक्शनिंग काफ़ी अच्छी है इनकी। इसके अलावा अभी हम बात करें तो हम बैटरी पर बात करना चाहेंगे कि बैटरी जो है इसकी 5000 mAh की बैटरी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा है, अच्छी है। 5000 mAh बैटरी इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता ख़त्म होने वाली होगी, ये नॉन स्टॉप गेमिंग खेलोगे तभी हो इसका, और हो भी जाए तो फिक्र की क्या बात है। इसके अलावा उसने 67 वॉट का चार्जर दिया हुआ है आपको, टाइप सी पोर्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और 67 वॉट का फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वायर्ड ही कनेक्ट करोगे तभी करेगा, ये वायरलेस में भी यही सिस्टम है कि आप 67 वॉट का चार्जर सपोर्ट कर सकता है। तो भाई लोगों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे जितना पता था आई थिंक मैंने सारे पॉइंट कवर करे हैं। और अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके यार बताओ, और सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो वीडियो को, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और भाई घंटा बजाना मत भूलो, प्लीज़ प्रेस द घंटा, टन 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 घंटा बजे। और अगली वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं, किस मोबाइल से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं उस पर जल्दी बनाऊंगा, और घंटा ज़रूर बजाएं क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।